आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। रोटरी क्लब देवास द्वारा 20 से ज्यादा ब्लड यूनिट कराई गई दान। जिला न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन 21 जुलाई को किया गया, जिसमें विश्वव्यापी समाज सेवी संस्था रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के रोटरी क्लब देवास की भी सहभागिता रही। क्लब द्वारा 20 से ज्यादा ब्लड यूनिट दान कराई गई। क्लब के अध्यक्ष सुधीर पंडित व सचिव आशीष गुप्ता ने बताया कि रोटरी वर्ष 2022-23 में क्लब का लक्ष्य 700 से ज़्यादा ब्लड यूनिट डोनेट करवाने का है। क्लब के अध्यक्ष सुधीर पंडित ने भी रक्तदान किया। क्लब के अन्य सदस्य गौरव जोशी व शैलेश कुमावत ने भी रक्तदान किया। सचिव आशीष गुप्ता ने यह भी जानकारी दी कि रोटरी क्लब इसी माह 24 जुलाई को निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर लगाने जा रहा है, जिससे कई लोगों को लाभान्वित होंगे। इस शिविर में सीनियर रोटेरियन अमरजीत खनुजा, पीएन तिवारी, कोषाध्यक्ष जीएस चंदेल, डॉक्टर जितेंद्र खुशवा, डॉक्टर सुरेश शर्मा, जयसवाल जी, शैलेश कुमावत, सौरव जोशी, रोट्रैक्ट क्लब की अध्यक्ष रचिता जी व भरत विजयवर्गीय उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट राष्ट्र नवाचार देवास। जिसमें रोटरी क्लब की भी एक सार्थक भूमिका रही है। हमारे साथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष सुधीर पंडित जी हैं, और जो स्वयं जिन्होंने अभी ब्लड डोनेट किया, पास प्रेसिडेंट डॉक्टर कुशवा जी हैं जो आज की इवेंट इंचार्ज हैं। और कुशवा जी, अभी तक कितने ब्लड आपने रोटरी क्लब के माध्यम से यूनिट्स जो हैं वो डोनेट करवा दिए? जुलाई में करीब 25 यूनिट हम लोगों ने डोनेट करवाई है, और हमारा जो साल भर का लक्ष्य है करीब 2 यूनिट पर डे के हिसाब से, करीब करीब 700 के आसपास डोनेट करने वाले हैं। 700 यूनिट्स आप डोनेट करने हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ कई लोग कोर्ट परिसर के बाहर के और रोटेरियंस रोटरी क्लब के माध्यम से और अन्य संस्थाओं के माध्यम से आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और आज के शिविर में अभी तक 30 से ज़्यादा ब्लड डोनेट हो चुके हैं, जिसमें रोटरी क्लब के माध्यम से 20 से ज़्यादा डोनर्स को आमंत्रित किया गया है और वो ब्लड देने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। नमस्कार, मैं रोटरी क्लब सेक्रेटरी आशीष गुप्ता। आज के इस ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में रोटरी क्लब के सभी मेंबर, सीनियर मेंबर या यंगस्टर्स का बहुत अच्छा योगदान रहा है, और अभी तक हम 15 से ज़्यादा यूनिट्स को डोनेट कर चुके हैं और भी हमारे डोनर्स यहाँ पर आ गए। और ये जो ब्लड डोनेशन प्रोग्राम है वो साल भर हमारा चलता है, और आगे भी हम, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारा 700 प्लस यूनिट्स डोनेट करने का टारगेट है वर्ष 2022-23 में, जिसे रोटरी क्लब निश्चित रूप से रोटरी क्लब देवास पूर्ण करे। नमस्कार। लोग हैं 21 जुलाई 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास की ओर से ये ब्लड डोनेशन का हमने कैंप आयोजित किया है। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, अवयव है, जिसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते हैं। रक्त की कमी के कारण बहुत से लोगों का जीवन कई बार दुविधा में, संकट में आता है। रक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपनी तरफ से इस पवित्र कार्य में जो भी सहयोग कर सकें करें। हमें खुशी है कि हमें समाज के हर वर्ग की तरफ से सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ये वाहन आया हुआ है जिसमें कि ब्लड डोनेशन हो रहा है। हमारे दो जज साहब श्री मनीष सिंह ठाकुर जी एवं श्री यशपाल सिंह जी ने ब्लड डोनेशन की शुरुआत की है। अंदर हमारे लीगा डेट के ऑफिस में, और वहाँ भी 4 बेड लगी हुई हैं, वहाँ भी कई लोग अपना ब्लड डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लायंस क्लब की तरफ से, रोटरी क्लब की तरफ से भी बड़ा सहयोग मिल रहा है। समाज सेवी जितने भी हमारे हैं वो सहयोग दे रहे हैं। हम आपके माध्यम से लोगों से यही आग्रह करेंगे कि जो स्वस्थ हैं, जिनको वक्त रक्त दान करने का, जिनकी पात्रता है, जो रक्त दान कर सकते हैं, कृपया आगे आके रक्त दान कीजिए। बहुत से जीवन आप इस प्रकार बचा सकते हैं। रक्त दान करने से आपके शरीर में कोई कमी नहीं आती है, न कोई तकलीफ होती है, और ब्लड तो ऐसा है कि तुरंत बनता रहता है, आपके खान पान के साथ ब्लड बनता रहता है। तो अगर ये भ्रांति है कि मैं खून दे दूंगा, मेरा खून कम हो जाएगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो साहब लोग आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इन्होंने कई बार पहले भी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इसलिए मैं समाज में जो लोग मेरा संदेश सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, और आप 50 साल से कम की उम्र के हैं, तो कृपया स्वास्थ्य विभाग के साथ
ब्लड बैंक के साथ संपर्क कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, लोगों की ज़िंदगी बचाइए, दो लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, खुद भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।